नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस YouTube चैनल स्टडी कैपिटल पर। CUET PG 2023 के लिए JNU के काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आज के इस वीडियो में मैं आपको इसकी अपडेट तो दे चुका हूं पहले ही, आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस समझाऊंगा कि कैसे JNU की काउंसलिंग आपको करनी है। इस कंप्लीट वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, पूरा स्टेप समझ लीजिएगा, देन आप JNU की काउंसलिंग आराम से कर सकते हैं, सारे प्रोसेस आराम से कर सकते हैं। वीडियो की शुरुआत करता हूं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, तो चाहे वो CUET, BHU, DU, JNU की तैयारी हो, चाहे इसकी अपडेट हो, सारी चीजें आपको यहाँ पर प्रॉपर और सबसे सही ढंग से पहुंचाई जाती है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा। हमारे व्हाट्सएप का हेल्पलाइन नंबर आपके स्क्रीन पर विजिबल है, वहां पर अपने सवाल कट ऑफ वगैरह से रिलेटेड आप पूछ सकते हैं। लेकिन ये है कि अपना कोर्स का नाम लिखिए, अपने सब्जेक्ट का नाम लिखिए, तभी कोई सवाल पूछे, क्योंकि आप लोग आधा अधूरा सवाल पूछते हैं। हमारा एक नया चैनल है CUET PG स्टडी कैपिटल, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि आगे आने वाले समय में जब हम कट ऑफ वगैरह बताएंगे तो उस चैनल पर बताएंगे, यानी कुछ वीडियोस इस चैनल पर, कुछ वीडियोस उस चैनल पर, इसलिए दोनों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले वेबसाइट देख लीजिए काउंसलिंग के लिए कौन सी है, तो वो है JNU.ac.in। इसी वेबसाइट से आपके काउंसलिंग की प्रक्रिया होनी है, और इस वेबसाइट को जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके स्क्रीन पर, कहिए तो मैं दोबारा वापस जाकर के दिखा दूं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इसी वेबसाइट को मैंने सर्च किया है। यहाँ इंपॉर्टेंट लिंक में सबसे नई लिंक जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्लिक हियर फॉर अप्लाई MMSC MCA थ्रू CUET PG, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे ही हमने क्लिक किया, आपके सामने ये काउंसलिंग को लेकर के कुछ स्टेप्स स्क्रीन पर दिखा रहा है। पहला है पर्सनल डिटेल का, दूसरा है क्वालिफिकेशन डिटेल का, तीसरा है डॉक्यूमेंट अपलोड का, और चौथा है पेमेंट का। यानी ये चार स्टेप फॉलो करते हुए आपको अपना काउंसलिंग कंप्लीट करना है। पर्सनल डिटेल का मतलब आप लोग समझ ही रहे हैं कि अपना जो भी पर्सनल डिटेल है, आपका नाम, आपका एड्रेस, आपके माता पिता के बारे में जो भी चीज़ें ये पूछा जाएगा, वो आपको एड्रेस वगैरह सब कुछ इसमें भरना होगा। क्वालिफिकेशन डिटेल में, यानी आपके जितना भी ग्रेजुएशन तक आपका क्वालिफिकेशन आपका कंप्लीट हुआ है, उसके विषय में आपको यहाँ जानकारी देनी होगी। डॉक्यूमेंट अपलोड में अपने सारे जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो यहाँ पूछा जाएगा वो आपको डालना होगा। और चौथा आपका जो होगा वो पेमेंट होगा, यानी कन्फर्मेशन होगा आपके इस काउंसलिंग के लिए। चलिए नीचे चलते हैं, पूरा प्रोसेस समझते हैं। यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहे हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन और साइन इन। अभी शुरुआत कर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन करिए, फिर दोबारा आपको साइन इन करना होगा। चलिए जैसे हम न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं, आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं। इन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से सुन लीजिए, ये वीडियो कंप्लीट देखिएगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, आधा अधूरा देखेंगे तो गलती कर देंगे फॉर्म में और वो जीवन भर पछताएंगे या परेशान होंगे, ठीक। तो ध्यान से सुन लीजिए, यहाँ लिखा है कि सारे इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर, ये सारी चीजें आप लोग प्रोस्पेक्टस को पढ़ लीजिए। फिर यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अपना देख लीजिए कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं है जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। काउंसलिंग के फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 300, OBC EWS के लिए भी 300, ST ST के लिए 150 और फॉरेन नेशनल के लिए 3280 रुपए। फी जो है आपका नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या UPI के थ्रू होगा। स्टेप्स क्या क्या होंगे देख लीजिए, कि सबसे पहले रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन आपको कंप्लीट करना होगा एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के माध्यम से। दूसरा होगा आपका कि कंप्लीट करना होगा एप्लीकेशन फॉर्म, अपना जो भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका है उसको कंप्लीट करना होगा, सारी डिटेल्स भरनी होंगी। अगला आपका चौथा स्टेप मैंने बताया कि आपको सिग्नेचर वगैरह अपलोड करना होगा, उसमें क्या प्रोसेसेस हैं उसको देख लीजिए, कि आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना होगा, सिग्नेचर अपलोड करना होगा JPEG या JPEG फॉर्मेट में। साइज जो है आपके इस फोटोग्राफ और उसका 10 KB से 200 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर जो है 4 KB से 30 KB के बीच का होना चाहिए। लेटेस्ट फोटोग्राफ जो है आपका कलर या फिर ब्लैक व्हाइट कुछ भी चल सकता है, लेकिन आपका क्लियर होना चाहिए फोटोग्राफ। ये सारी डिटेल्स है। फिर पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद आगे बढ़ना है। पासवर्ड देखिए लिखा हुआ है कि 8 कैरेक्टर से लेकर के 13 कैरेक्टर के बीच का, उसमें सारे न्यूमेरिक डिजिट्स जो हैं और जितने अपर लेवल लोअर लेवल केस आपका ये डिजिट होते हैं वो सारी चीज़ें आपको भरनी होंगी। ये सारे काम करते हुए आपको करना होगा। यहाँ एक चेकबॉक्स है, इस पर क्लिक करिए, क्लिक हियर टू प्रोसीड करिए। कुछ और नोटिफिकेशन जो एक्स्ट्रा था उसको आप लोग पढ़ सकते हैं खुद से भी। अब यहाँ पर हमको अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डाल के सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू करना है। चलिए मैं एप्लीकेशन नंबर के साथ शुरू करता हूँ। ध्यान से देखते रहिएगा, जो जो प्रोसेस कर रहा हूँ वही वही सेम प्रोसेस आपको भी करना है। चलिए उसके बाद आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ अपना डालना होगा।
इतना करने के बाद हमने अपना रजिस्ट्रेशन यानी पहला स्टेप जो था वो लॉगिन की जो हमारी एंट्री थी उसको हमने ले लिया। और जैसे ही हम लॉगिन करेंगे, देखिए हमको कुछ अपना डिटेल, शुरू में कुछ डिटेल ये ऑलरेडी हमारा ले लेगा क्योंकि हमने अपने एप्लीकेशन नंबर के साथ लॉगिन किया है। नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी यहाँ पर कवर कर ले रहा है, यानी पर्सनल डिटेल वाले में हम आगे चलते हैं। अब यहाँ से कहाँ पूछना शुरू करेगा, टाइप ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यानी किस कौन सा आप अपना बताना चाहते हैं कि कौन सा आईडी प्रूफ लगाना चाहते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं आधार कार्ड लगा देता हूँ, ठीक। चलिए अब यहाँ पर आपको आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट जो है सिर्फ ऐड करना है। ध्यान रखिएगा कि पूरा आधार कार्ड का डिजिट नहीं डालना है, कुछ स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो आपको सिर्फ लास्ट का 4 डिजिट डालना है। जेंडर ऑलरेडी आपका ले लिया है, ईमेल आईडी आपका ऑलरेडी ले लिया है, मोबाइल नंबर जो है आपका यहाँ बस ये डालना है, बाकी जो है ऑलरेडी आपका ले चुका है, आप इसमें एडिट नहीं कर सकते। अल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं, अल्टरनेट मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। परमानेंट एड्रेस आपसे पूछ रहा है, एड्रेस डिटेल जल्दी डाल देते हैं। मैं चूंकि एक डेमो फॉर्म भर रहा हूं तो एड्रेस में कुछ भी भर दे रहा हूं, आप लोग अपना सही सही एड्रेस सही सही सारी डिटेल्स भरिएगा यहाँ पर, अपना जो भी डिटेल है इसमें कुछ कठिन नहीं है, इसलिए मैं फटाफट से भर दे रहा हूँ, आपको ज़्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पिन कोड वगैरह सब कुछ अपना डाल दीजिएगा। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो सेम करिए। उसके बाद यहाँ पासवर्ड बनाइए, पासवर्ड किस तरीके से बनाना है मैंने बोला था कि कम से कम 9 कैरेक्टर होने चाहिए, अपर केस, लोअर केस, स्पेशल कैरेक्टर, डिजिट, सारी चीज़ें इसमें क्रिएट होनी चाहिए आपकी। चलिए इतना हम करने के बाद एक सिक्योरिटी क्वेश्चन भी आपको बनाना है। तो मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया कि मैं कुछ भी डाल देता हूँ कि वेबसाइट आपकी कौन सी है जिसको आप बहुत ही रेयरली विजिट करते हैं, तो मैं वेबसाइट में ही आपको CVET लिख देता हूँ। चलिए जिसको आप रेयरली विजिट करते हैं क्योंकि आप लोग काउंसलिंग के बाद तो दोबारा विजिट कर नहीं रहे हैं। चलिए इस तरीके से आप कुछ भी अपना क्वेश्चन बना सकते हैं, जो भी क्वेश्चन है आपका, और उसको कंप्लीट करके डाल दीजिएगा। चलिए सबमिट पर मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैंने सबमिट पर क्लिक किया एक बार फिर से हमसे यहाँ कन्फर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि क्या आप इसको कन्फर्म एंड सबमिट करना चाहते हैं या दोबारा कुछ एडिट करना चाहते हैं। एक बार फिर से अपना पूरा डिटेल देख लीजिएगा, अगर कुछ गलती नहीं है कि हाँ सही है सब कुछ, एडिट करना एडिट करिएगा, सब कुछ सही है तो कन्फर्म डिटेल पर क्लिक करिएगा। जैसे ही हमने कन्फर्म डिटेल पर क्लिक किया, हमारा जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है यानी हम जिस स्टेप में चल रहे थे, पहला हमने कंप्लीट कर लिया अपना क्या, तो इसमें थोड़ा सा अपना अभी थोड़ा बहुत डिटेल हमने भरा है। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट स्टेप है एप्लीकेशन डिटेल भरना, इमेज अपलोड करना और पेमेंट करना, ठीक है। यहाँ पर्सनल डिटेल वाला काम हमारा हो चुका है। चलिए नीचे आइए, यहाँ पर OTP गया होगा हमारे ईमेल आईडी पर और हमारे मोबाइल नंबर पर, ये दोनों OTP हमको यहाँ पर डालना होगा। ऐसे ही हम ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर का OTP डाल करके वेरीफाई हमने किया, कंफर्म किया, सक्सेसफुल हुआ। अब हमारे सामने हमारा नेक्स्ट स्टेप आ चुका है, दैट इज क्वालिफिकेशन डिटेल का। अब क्वालिफिकेशन डिटेल देखिए ध्यान से आप लोग भरिएगा क्योंकि ये एक लंबा फॉर्म होगा, एक बड़ा फॉर्म होगा, आप आराम से देख सकते हैं कि इसमें सारी डिटेल्स भरनी है। चूंकि GNU का जो फॉर्म है क्वालिफिकेशन डिटेल वाला, ये कॉम्प्लिकेटेड होता है, इसमें क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट वगैरह भी यहीं से आपका वेरिफिकेशन होता है, इसलिए इसमें आपको ये सारी चीज़ें भरनी है कंप्लीट में। आपका कुछ चीज़ें पहले से यहाँ इनबिल्ट रहेंगी, कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, माता का नाम, पिता का नाम, उसके बाद आपको सारी चीज़ें भरनी है। मैं शुरू में ही अभी वीडियो पॉज करके भर दिया था जिससे आपके लिए आसानी ये होगी कि आपको पूरा ये देखना नहीं पड़ेगा। देख लीजिए, गार्जियन नेम डालना है, नेशनलिटी, स्टेट ऑफ डोमिसाइल, कैटेगरी, उसके बाद सब कैटेगरी, PWBD, ये सब अगर हैं तो यस करिएगा, नहीं है तो सब कुछ नो करते जाइएगा। रूरल कैटेगरी से हैं तो यस करिएगा, रूरल करिएगा, अर्बन से होंगे तो अर्बन करिएगा। देखिए एक लंबा फॉर्म है, ध्यान से सुनते जाइए क्या क्या भरना है, इसलिए मैं ऑलरेडी भर के आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपसे पूछेगा, यहीं से आपका क्वार्टाइल डिस्ट्रिक्ट होगा कि आप हैं कि नहीं है। उसके बाद आपसे देखिए प्रोग्राम पूछा कि किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं, फिर किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट, उसके बारे में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी दे दिया। 2-3 फॉर्म भरे होंगे तो 2-3 सेलेक्ट कर लीजिएगा, आगे बढ़िए। उसके बाद CVET में कितना स्कोर पाए हैं उसको डाल दीजिएगा। उसके बाद क्लास 10th की पूरी डिटेल आपको भरनी है, कहाँ से पास की है, कब पास की है, क्या सब्जेक्ट था, किस जिले से, कितना नंबर, सब कुछ भर दीजिएगा, आगे बढ़िए। इसी प्रकार से क्लास 12th का भी पूरा डिटेल, कंप्लीट डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको भर देना है, आगे आइए। ग्रेजुएशन में भी पूरा डिटेल भरना है कि आप अपियरिंग है कि पास्ड हैं, अपियरिंग है तो कहाँ से हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, और अगर पास्ड हैं तो कितने मार्क्स पाए, कहाँ से पास किए, सब कुछ डिटेल इसमें डालना है। देख लीजिए क्या क्या सब्जेक्ट वगैरह सब कुछ है, आप लोग देखेंगे तो आप लोग खुद भर लेंगे। यहाँ एक लिखा है अदर क्वालिफिकेशन, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ है आपके पास क्वालिफिकेशन तो आप भर सकते हैं, नहीं है तो नोट, कोई दिक्कत नहीं है।
अब पूछ रहा है जेएनयू ग्रुप के बारे में, क्या कहीं इंप्लॉय वार्ड कोटा है आप बी सी डी किसी भी ग्रुप के, तो यस करिए, नहीं है तो नो करिए। कोई आपके बॉडी पर जो मार्क हो, जैसे मान लीजिए मेरे ललाट पर यहाँ कटे का निशान है तो मैं ये लिख देता हूँ अपने फॉर्म में, वैसे ही आपका भी कोई भी ऐसा मार्क होगा तो वो अपना यहाँ लिख दीजिएगा, मेंशन कर दीजिएगा। क्या आप जेएनयू के स्टूडेंट पहले से थे या हैं, तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। किसी यूनिवर्सिटी में है तो यस करिएगा, नहीं है तो नो करिएगा। यूनिवर्सिटी का नाम लिख दीजिएगा, कोर्स ऑफ स्टडी लिख दीजिएगा, लर्निंग मोड रेगुलर है या डिस्टेंस लर्निंग, तो ये आप लिख दीजिएगा, ठीक। और उसके बाद पूछ रहा है कि आर यू प्रेजेंटली एम्प्लॉयड, क्या आप कोई जॉब वगैरह भी करते हैं, तो यस, नहीं है तो नो। अपने गार्जियन का, पेरेंट का पूरा डिटेल लिखना है, पापा का और मम्मी का क्या करते हैं लोग, क्या है, अगर है तो यस करिएगा, नहीं है तो अप्लीकेबल करते हुए आगे बढ़िएगा। अब यहाँ कह रहा है कि सब कुछ चेक कर लीजिए, अपना नाम चेक कर लीजिए ऊपर, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कैटेगरी, सब कैटेगरी, एजुकेशन डिटेल, क्या सब कुछ सही है। सब कुछ सही है तो इस चेकबॉक्स में क्लिक करिए, डिक्लेयर करिए कि हाँ मैंने सब कुछ सही भरा है। और इसमें यह है कि बाद में आप कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए क्रॉस चेक करके वेरीफाई जरूर करिएगा। जैसे यहाँ सबमिट पर क्लिक करेंगे, एक स्टेप हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे, एक स्टेप आगे बढ़ेंगे, एक बार फिर से आपको ये पूरा फॉर्म दिखाएगा जो आपने भरा है। फिर आपसे नीचे पूछेगा कि आप कंफर्म करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं, अभी भी कर लीजिए, कंफर्म करना चाहते हैं तो कंफर्म डिटेल पर क्लिक करिए और आगे बढ़ जाइए। अब जैसे ही सर देखिए मैंने अपना आगे बढ़ा, पर्सनल डिटेल हो गया, क्वालिफिकेशन हो गया, अब हम क्या करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने मैंने बोला था कि क्या क्या फॉर्मेट फॉलो करना है, वो सारे फॉर्मेट्स आपको फॉलो करने हैं। इसका स्क्रीनशॉट भी लेके रख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे कि कौन कौन सा फॉर्मेट फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको फोटोग्राफ चूज करना है, चूज कर लीजिए अपना फोटोग्राफ और फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए। चलिए मान लीजिए फोटोग्राफ यहाँ अपलोड हो गया। अगला है आपका सिग्नेचर, तो सिग्नेचर भी आप अपना अपलोड जो है वो कर दीजिए। चलिए मैंने सिग्नेचर चलिए मैं एक सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ, इसमें होगा मेरे डॉक्यूमेंट में। यहाँ पर इनका सिग्नेचर अपलोड कर देता हूँ। चलिए तो यहाँ पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर दोनों चीजें अपलोड हो चुकी हैं और दोनों चीजें विजिबल हैं। अब यहाँ पर सबमिट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए, आपका ये जो डॉक्यूमेंट है वो सबमिट हो गया है ना, ये सारी चीजें हो गई। अब आपका एप्लीकेशन नंबर यहाँ दिख रहा है, नाम दिख रहा है, नेशनलिटी दिख रही है, प्रोग्राम कौन कौन सा सेलेक्ट किया, कौन सी कैटेगरी है, पीडब्ल्यू बी डी बीपीएल वगैरह है कि नहीं है। अब यहाँ जनरल ओबीसी के लिए ₹300 फीस है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर आगे क्लिक करिएगा प्रोसीड टू पेमेंट पर, और जैसे ही आप प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करते हैं आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। अब चूंकि मैं तो एक डेमो फॉर्म भर रहा हूँ इसलिए मुझे पेमेंट करने की जो कोई जरूरत नहीं है, आप पेमेंट करिएगा और आगे जो है वो प्रोसीड कर जाइएगा। तो ये पूरा प्रोसेस रहा कि जेएनयू के काउंसलिंग का जो फॉर्म आया है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, उसको कैसे भरना है। सिर्फ आपको जेएनयू के फॉर्म को भरते समय क्वालिफिकेशन डिटेल पर विशेष ध्यान रखना है कि उसको एकदम सही सही भरना है, उसमें गलती मत करिएगा। बाकी गलती तो आपसे होगी ही नहीं मुझे पता है, लेकिन क्वालिफिकेशन वाले में ध्यान से देख लीजिएगा, जो जो चीजें पूछेगा एकदम आराम से भरिएगा। अगर साइबर कैफे पर भरवाते हैं तो खुद वहां बैठ के भरवाइएगा, क्योंकि आपका बीपीएल पूछ रहा है, रूरल या अर्बन पूछ रहा है, तो वो सारी चीजें आपको खुद भरवानी होंगी। अगर उसमें गलत करेंगे तो फिर आपका जो एक्स्ट्रा मार्क्स आपको फायदा मिलता है वो सारे मार्क्स आपको फायदे में नहीं मिल पाएंगे। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। डॉक्यूमेंट आपने देखा कि सिर्फ क्या क्या अपलोड कराया, जो भी चीजें जिस तरीके से चल रही थी उसी तरीके से आपको भी करना है, और कुछ भी सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। अभी मुझे लगता है कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे आने वाले समय में जेएनयू के कट ऑफ क्या होंगे, जेएनयू कितने नंबर पर एडमिशन लेगा, वो सारी अपडेट्स आपको हमारे इस चैनल पर मिलती रहेगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि नोटिफिकेशन पहुंच जाए, और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। जैसा कि मैंने कहा कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसपे हम अदर यूनिवर्सिटीज की इन्फॉर्मेशन देते हैं जेएनयू के अलावा, और बाकी कट ऑफ वगैरह की इन्फॉर्मेशन हमारे दूसरे चैनल पर मिलती है। इसलिए दूसरे चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहां से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।